पेपर लेंगे, उसे हम इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अगेन हाफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर दो बार फोल्ड करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल का शेप देंगे। सेम यहाँ से भी देंगे, हम दोनों साइड से देंगे ट्राइंगल का शेप। ये देखिए इस तरीके से ट्राइंगल का शेप ओपन हो रहा है ऐसे। अब इसे हम पलटेंगे, ठीक है। पलटने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, लाइन आ रही है ना, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये वाली लाइन। अब आपको कैसे फोल्ड करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो पार्ट है आपको इस लाइन पे नहीं रखना है, इसके साइड में रखना है। इस वाले फोल्ड को हम देखिए साइड में रखेंगे, ये देखिए लाइन के साइड में रखा मैंने, ये साइड में आ गया। साइड में रखने के बाद आप जब इसे, ये देखिए ये वाला हमारा पोर्शन रह गया है, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, अब हमें एक और ऊपर बनानी है। तो ये जो लाइन है इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे, दबाते हुए इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड स्टेप हो गया। अब इसके बाद ये वाला एक पेज बचा होगा, इसको भी हम यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, और इसे भी हम इसके ऊपर की तरफ लाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनाना है। बनाने के बाद ये जो है आपका पार्ट, इसको कट करना है। तो पूरा कट नहीं करना है, एंड तक बस यहाँ तक रखना है हमें। इतना करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हम लीव का शेप यहाँ पे कट करेंगे। चलिए इसे कट करके मैं बताती हूँ आपको कि इसे कैसे कट करना है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे कट करना है। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया। चलिए इसे अब ओपन करके देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना।